22 जनवरी को भारत नहीं दुनिया के लिए वो सौभाग्य का दिन है कि 500 सालों के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद जो भारत का मन था, 140 करोड़ जनता तो भारत की है और दुनिया के अंदर श्रद्धा और आस्था रखने वाले भगवान श्री राम के अनुयायियों के लिए वो दिन आ गया है कि राम लला 22 तारीख को विराजमान होंगे और भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी वहाँ पर उपस्थित होंगे। आज मैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंबेडकर नगर, हमारी जो बस्ती है, हम घर घर जा कर के जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आमंत्रण आया है और सबको घर घर जा कर के पीले चावल अक्षत दे करके आमंत्रण दे करके आमंत्रित भी कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर उस दिन दिवाली मनेगी तो घर घर पर दिवाली लोग मनाएंगे, उस दिन दीप जलाएंगे। ये भारत का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है, इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आज लोगों को पीले चावल दे करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छी बात करो, लोगों ने भारत के इतिहास में, ये भारत का इतिहास बन रहा है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। ऐसे लोग बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। जब धारा 370 हटा रहे थे तब ओवैसी ने कहा था कि भारत जल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा। तब अमित शाह ने कहा था, देश के गृह मंत्री ने, कि सुनो ओवैसी, न तो भारत जलेगा न कश्मीर, न तो भारत टूटेगा न कश्मीर जलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जो दोस्त देश के खिलाफ काम करेंगे उनका स्थान संसद में नहीं, जेल के अंदर होगा। तो ऐसे लोगों का काम ही है न्यूसेंस पैदा करना। इसलिए हम अपना काम करें और पूरा देश खड़ा है, पूरा देश गौरवान्वित है और अंदर से तो वो भी गौरवान्वित है। जय जय वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।